हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बात करेंगे 5 अक्टूबर 2020 को घोषणा किए गए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो आइए जानते हैं इस बार 2020 का चिकित्सा का नोबेल किसको प्रदान किया जाएगा। स्वीडन के स्टॉकहोम में घोषणा की गई है 2020 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कारों की। तो 2020 मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार ऑर्वे अल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स राइस को प्रदान किया जाएगा। इन वैज्ञानिकों को हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अल्टर और चार्ल्स राइस अमेरिका से हैं और माइकल हॉफ्टन ब्रिटेन के निवासी हैं। इन वैज्ञानिकों को करीब 11,20,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्रदान की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस के 7 करोड़ से अधिक मामले हैं और हर साल इससे 4 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये एक गंभीर बीमारी है और इससे यकृत संबंधी समस्या और कैंसर तक होने की आशंका होती है। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनोर, जो कि लगभग 11,20,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास होता है, राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है और इस कारण बहुत लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। 1960 के दशक में ये एक बड़ी चिंता का विषय था कि जो लोग दूसरों से रक्तदान लेते थे उन्हें एक अज्ञात और रहस्यमयी बीमारी हो जाती थी, जिसके कारण उनके लीवर में जलन पैदा होती थी और 1960 के दशक में हेपेटाइटिस ए और बी को खोजा गया था। लेकिन प्रोफेसर हार्वे ने साल 1972 में US नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मरीजों पर शोध करते हुए पाया था कि एक दूसरा रहस्यमय वायरस भी मौजूद है जो अपना काम कर रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा था। तो आइए थोड़ा सा वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं इस फिगर में, हेपेटाइटिस ए वायरस है, बी और सी है। तो जो बी और सी है ये ब्लड ट्रांसमिटेड है, मतलब खून से फैलता है। और आप जो यहाँ पे लीवर देख रहे हैं ये कैसे जो है हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित होते होते कैंसर तक की स्टेज में पहुँचता है। फर्स्ट आप हेल्दी लीवर देख रहे हैं, फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस हुई, फिर सिरोसिस हुआ और लास्ट में आपका 10 से 30 साल तक जो है आपको क्या हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, हेपेटोसेलुलर कैर्सिनोमा हो गया है। तो देखिए हेपेटाइटिस के मेन कितने दो फॉर्म हैं। जो है पहला फॉर्म जो है वो एक्यूट डिजीज़ होती है, जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस से होती है। और हेपेटाइटिस ए वायरस से जो बीमारी होती है वो प्रदूषित पानी और भोजन से होती है। दूसरा जो हेपेटाइटिस होने का कारण है वो हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर सी वायरस। तो जो हेपेटाइटिस बी और सी हैं ये खून से फैलते हैं। अगर संक्रमित खून किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वो भी हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस सी जो होगा ये क्रोनिक डिजीज़ होती है और इसे सिरोसिस और लीवर का कैंसर तक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या योगदान किया था जिस कारण इनको इस वर्ष का चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया। तो हार्वे जे अल्टर जो हैं इन्होंने ये पता किया था कि तब तक जो ज्ञात ए और बी हेपेटाइटिस वायरस थे उसके अलावा भी एक और वायरस है जो लोगों को संक्रमित कर रहा था। लोग एक क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हो रहे थे। और जो माइकल हॉफ्टन हैं उन्होंने जो एक सी हेपेटाइटिस सी वायरस जो उस समय नया था उसके जीनोम सीक्वेंस का पता लगाया था। और जो चार्ल्स एम राइस हैं उन्होंने फाइनली ये बताया था कि ये जो है आपका नया वायरस हेपेटाइटिस सी का है ये अकेले ही लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो इन
तीनों वैज्ञानिकों की खोजों के कारण हेपेटाइटिस सी से बचाव के तरीके और टीके विकसित हुए, जिस कारण से अब बहुत सारे लोगों की जान बचाने में सहायता मिल रही है। अतः इन लोगों को चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया है। तो इसमें बस इतना ही। आपसे फिर कभी मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।